ये सोई हुई आत्मा ये भी सो गई है, और इधर असगर भाई वो भी सो चुके हैं, ओन मोहम्मद वो देखे हैं वहां से जाग रहा है, और मेरे मौलवी भाई ये बैठे हुए हैं, अकरम भाई भी सो गए, असलम भाई भी सो गए, किसी को कोई होश नहीं है, मैं खुर्रम और अफजल भाई हम सब जाग रहे हैं अभी। तो अफजल भाई आपको नींद नहीं आई क्यों? और उधर ये परेशान है ना, अच्छा इसलिए ये क्या हुआ? ये ना अच्छा पुराना इधर भी नहीं, ये असल में जब पता है इसको नींद क्यों नहीं आ रही। ये जब न्यू किसी सारे ही जाग रहे, झूठ बोल रहे, मैंने समझा सारे सो गए और हैं। भी ना किसी नए घर में जाता तो उसको नींद नहीं आती है। अच्छा वो इसको सिर्फ डंडे। ना असलम भाई और अजहर भाई सो गए हैं बस। हाँ असद भाई तो रूम में जाके सो असलम गए भाई हैं, सबसे पहले आके उधर सो गए हैं बस। असलम भाई ने तो पानी भी नहीं पिया, चाय भी नहीं पी। वो तो यार असलम भाई तो कार में नींद कर रहा था, थकावट हुई है ना। ये उसकी आदत बनी हुई है, 9 बजे सो जाता है। हाँ ये तो है। नहीं असल में आज इसने दबाया नहीं है, नहीं आ क्या है। नहीं तो क्या बात है, साथ नहर है हमारे, अगर आप कहें तो 2-3 बाल्टियां ला के डाल दें। नहीं, वो तो जाते हो हम सारे कुत्ते मार कर निकल जाएंगे, वो बात नहीं है। अच्छा, अभी नहीं तो भाई बहुत देर पानी बाद है, आ हमने जाएंगे। मोटर मोटर लगी हुई है इस घर में। हाँ मोटर पे नहीं नहाते ना, मोटर पे नहाते नहीं है, खुले पानी में नहाते हैं। नहीं ये जो गंदे, सुबह नहीं निकलते गंदा हैं नाला भी तो है यहाँ यहाँ नहर पे, हो गई, एक गंदा नाला भी है यहाँ पे। गंदा नाला, उसमें अकरम भाई नहाता रहता है। हाँ अकरम भाई नहाता रहता है, जरा सीम खत्म हो जाते हाँ हैं, जी जो ख्वाहिश वगैरह होती है खत्म हो जाती है। नहीं मैंने कहा था अकरम सीम भाई खत्म तो खुद जरा सीम है, अकरम भाई तो खुद जरा सीम है, जरा सीम क्यों मर जाएंगे? जरा सीम, हाँ जरा सीम को जरा सीम मारते हैं। हाँ यही जैसे बात लोहे को तो, लोहा काटता यही है। बात तो इसको समझ नहीं आ रही अगली को। अरे हाय कदम भी बोल पड़े। चाय का पूछता ना, जब पिछली बार आए थे गर्मी में तो इसने चाय का पूछा था, आप चाय पियेंगे? मतलब गर्मी को गर्मी मारती है। हाँ ये तो है। हाँ जी और मोहम्मद भी जाग रहा है अभी तक कि मामू आए हुए इस वो खुशी समय नहीं में। आ रही, 12 बजे अभी तक डेली ऐसे करता है। नहीं नहीं भाई है ना, शाम को सो जाता होता है और फिर उठ जाता है, फिर उसके बाद तो बहुत जलील करता है रात 12 बजे तक ना, जब तक इनके पापा इनके साथ नहीं लेटेंगे ना, जब तक नहीं सोएंगे ये। और फीडर भी जी जी सर, अब फीडर के फीडर लिए अब फीडर बनाएंगे उन मोहम्मद का। ये देखे नाश्ते के पीछे हो रहा है झगड़ा, और मेरे ख्याल से झगड़ा करके ही निकल रहे हैं ये। अजहर भाई मैंने कहा झगड़ा हो रहा है। आमीन इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन अब सुबह का टाइम है, यहाँ से भूखे ना जाए। हम 11 बजे नाश्ता, ये तो उठने वाले 12 बजे उठने वाले, जिनको अभी मैं लेके जा रहा हूँ, ये 12 बजे से पहले उठते हैं, इनको कॉल करो ना। अच्छा फोन नहीं उठाते 12 बजे, कहते हैं क्या करो फोन। वाह जी वाह। तो हाँ जी अहमद भाई हाँ जी तैयारी है जाने की अब? हाँ जी इंशाल्लाह ताला, बस दुआ करनी है कि खैर खुशी से पहुंचे, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह जैसे अजहर के आमीन। हालात है ना जिंदगी में कभी नहीं हुए। हाँ ये तो है, ये तो आपको पता है, ये इंसान जब भी आया बस ऐसे ही आया। हाँ अजहर भाई 2 बार आए, दोनों बार इन्होंने सुबह सुबह उठते ही दो शोर बार मचा। क्या, मैं ख्वाब में चला गया था यार, ये तो मुझे भगा रहा था, मेरी तो जूती भी नहीं थी पैर में, जूते भी नहीं पहने थे भाई। असलम भाई तो जैसे इसने हैं कॉल आते ही इसलिए गए करा था, सो। पता क्या है, मैंने कहा हम कुल खानी आदर भाई, हम कुल जी खानी असलम चले भाई गए, खास अल्लाह का था शुक्र यार, जी। अल्लाह के अलावा। ये ना शोर मचाते हैं ये लोग, ये ये अजहर हुसैन हो गया और ये सारे अजीब सा ऐसे शोर मचा देते हैं। नहीं तो नाटी नाटी लगने आता हूँ। नहीं हाँ मतलब नहीं, अजहर हुसैन अजहर हुसैन बोलता है नहीं, अजहर हुसैन बोलता है आई समझ में, आई समझ में। हाँ बस ये तो रात भी अपनी नींद करके उठ के 2 बजे भाग आए, रात कहते जाना है, तो फिर हमने कहा नहीं तीन भी सोने। बार कहता है आई समझ, चले चले आई समझ। अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुंचे, जैसे पहुंचे वीडियो ना लगाना मैंने, मुझे कॉल कर व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। चले चले ठीक है, हाँ चले अल्लाह। असलम खान मेहनत पे हूँ।
रुक दा नहीं बाय बाय नहीं असल में मैंने ना सो के रात गुजारी अभी भी मुझे नींद आ रही है सीधा सीधा इसी पैक पे सीधा पिंडी ना सवात ना कगान मिल सो जींदे रहता डोला मुल्तान इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज कहाँ जा रही हो मुझे तो लगता है नाश्ता लेने जा रही हूँ हाँ जी नाश्ते लेने जा रहे हैं ठीक हो गया फिर ले नाश्ता क्या लेके आएंगे मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे लाना क्या मेरे लिए तो बिस्किट लेते हैं बस सिर्फ हाँ जी बिस्किट केक अच्छा बस हम भी वही कर लेंगे और नहीं रोटी तो रखी है अच्छा चने सालन भी रखा होगा सालन बस थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत है ना क्योंकि अहमद भाई तो चले गए हैं अब अहमद भाई तो चले गए वापस चले ले आओ फिर जाके लेके आए हो ये पापी लेके आए हो तो ये और मोहम्मद पे ना घी गिर गया था आज से तीन दिन पहले अल्लाह ने बचा दिया गरम घी था शुक्र आप भी बच गई ओए इधर दो मुझे दो मेरा बेटा प्यारा प्यारा कैक्शा को क्या हुआ है इधर आई हुई थी ओए छदी दिया था घी गिर गया तो छद की मेरा प्यारा प्यारा बेटा क्या हुआ है चीजी नहीं थी चाचू ने तो ये चीजी तो ली हुई है ये क्या लिया हुआ है अच्छा तो कैसे इसको दूसरी चीज बेटा दिलवाया करो ना ये चीज ना लेके दिया करो इसे चापी को टॉफी खोल देगी जाओ जल्दी जाओ ये कैक्शा के पास गया जी टॉफी खुलवाने के लिए कैक्शा नहीं है मारा था कैक्शा अपने अब वो वीडियो में बता रहा मामा तैसा नहीं है मारा था मुझे कह रहे मैं भी खुद ही मारूंगा अब अपना बदला ले रहा उससे है खुद मार दिया चलो आ जाओ बस आ जाओ बुरी बात आप ही नहीं मारते दोनों का प्यार चलता रहता है ऐसे जी तो मैं और खुदम अपने काम में लग चुके हैं खुदम बर्तन धो रहे हैं और मैं आ जा रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है मैं लगी सालन बनाने देखते अभी तो जेन किस तरफ जाता है क्योंकि बंद गोभी भी रखी हुई है मैंने तो खुदम से कहा कि बंद गोभी और गोश्त बना लेते हैं तो चले जी बंद गोभी और गोश्त बना लेते हैं तो फिर इसके बाद देखते हैं कि मम्मा आज वही बनाना है चले जी वही बना लेते हैं क्योंकि आपके पापा को मैंने कहा गोश्त मुझे धोकर दे दे जो बाकी का गोश्त है वो फ्रीज कर देते हैं तो ये कल बन जाएगा आज का तो रात को गुजारा करते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाई खड़ी हूँ मैं और खाना बनाने के लिए फिर से तबीयत नहीं है सही लेकिन जिद है जिद मेरी इसलिए है कि मैं पका दूं चले मैं भी खा लूंगी अक्षा भी खा लेंगे पूरम भी खा लेंगे अब किस किस का मुंह देखेंगे हमें कौन कौन दे जाए तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि ना मैं मानती हूँ इनको साथ वाली काजी है वो मेरे पास सालन दे देती है फिर कभी पूरम बाजार से ले आते हैं कभी मैं खुद बना लेती हूँ खड़े होकर खुद को कह देती है ये सामान डाल दे और खुद बना लें देखिए मुश्किल वक्त तो आता ही है इंसानों पर ही आता है अगर मुश्किल वक्त में मैं घबरा जाऊंगी खुदम ने गोश्त होकर ऐड कर दिया हुआ इसमें और पानी ज्यादा है खुदम ये चले कम कर दे क्योंकि बनाएंगे बनाएंगे तो खुदम ही लेकिन पास खड़े होकर इन्हें मैं बताती रहूंगी आज ही मेरी उस्ताद है नहीं उस्ताद तो नहीं हूँ कुकिंग की टीचर है ना मेरी यार हाँ ये देखिए हाँ जी काफी है बस इतना अब इसमें प्याज अदरक लहसुन और टोटल सामान इसमें वो कौन डाले वो भी मैं ही डालू तो जी मिलावटी खातून की मिलावटें हो गई हैं शुरू और माशाल्लाह से ये देखें कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज खड़े होकर अपने घर का सालन बना रही हैं ये अल्लाह का बड़ा करम है और मैं बड़ा शुक्र गुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उन्होंने इतनी हिम्मत और इतनी सेहत दी है कि अभी मैं बता नहीं सकता कि इनके ज़ख्म की पोजिशन क्या है क्योंकि बहुत इस वक्त यूँ समझ लो कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ज़ख्म इतना अच्छा नहीं है डॉक्टर आज भी कह रहे हैं कि भाई सर्जन साहब कह रहे हैं कि
स्टिच दोबारा लगवाने हैं, लेकिन हमने स्टिच अब नहीं लगवाने। वो क्यों? कि उन्होंने एक तो बगैर सुन के लगाने हैं, ना सुन करना है, इन्होंने ऐसे ही सी देना है, और दूसरी बात उन्होंने फिर वो धागे वाले स्टिच लगा देने हैं, जिससे दोबारा इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। नहीं पता क्या, मुझ में हिम्मत भी नहीं है अभी इस अपडेट पे, तो मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। तो इतने ही काफी है कि बस जितनी मैंने तकलीफ भुगत ली है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको 20 से 22 दिन लग सकते हैं जख्म जुड़ने में। मैंने कहा बाजी कोई टेंशन नहीं, चाहे एक महीना लग जाए, लेकिन मैं स्टिच नहीं करूंगा। सही है, अंदर से वैसे फीलिंग होती आ रही है मास्क गोश्त की ना? जी जी, अंदर से फीलिंग होती आ रही है। तो आप मुझे अदरक लहसुन पीस दें। मैं सर अभी कर देता हूँ। तो जी कैसे खेल रही है बॉल से? आज मैंने इन दोनों को ला दी एक बॉल, और ये दोनों खेलते रहे आज बॉल से। और ये क्या खा रहा है? ये ऐसी चीजें खाते हैं। और आज इसने सारी स्याही अपने ऊपर गिरा ली है, इंक जो पड़ी हुई थी। और अभी इसको मैंने साफ, मुंह इसका सारा नीला हुआ हुआ था, अभी साफ किया है मैंने, और कपड़े भी नीले किए हैं इसने। बहुत गंदा हुआ हुआ है, बहुत गंदा हुआ। हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है। बहुत मारता है, बहुत मारता है। और मोहम्मद आपकी क्या कर रही है? आपकी बॉल प्रोटेक्शन पीछे लग जाओ, मम्मी मुझे ना लग जाओ। कह रहे कि मेरी बॉल के साथ ये खेल रही है, तो फिर क्या हो गया? आप ही को खेलने दे, आप ही को खेलने दे, आप ही बस आप खेलने देंगे। पीसा जा रहा है। हाँ जी, और मोहम्मद क्या कह रहे हैं? कह रहे मैंने पीसना है। तो कैक्शा आप आटा देंगे ना साथ वाली आंटी को? ये जी अब उन मोहम्मद पीस रहे जी गरम वो अदरक लहसुन। और कैक्शा आज आपकी फेवरेट चीज बन रही है बंद गोभी गोश्त। मेहरबानी सर जी, काट दे काट दे, जल्दी काट दे मुझे। ये हमारा गोभी गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। मैंने बंद गोभी गोश्त बनाया है, और माजरा चाहती हूँ मुकम्मल वीडियो शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि सब मेरा पूछने के लिए आए हुए थे। और इधर और मोहम्मद भी है, अपने पापा की गोद में है और खेल रहा है। बर्तन आपने धोने हैं? वो मैंने रात को धोने हैं, खाने पीने के बाद ना। मैं रात भी धोकर ही सोया था। अच्छा चल, नहीं मैं धो लेती हूँ खड़े खड़े आज। नहीं नहीं मैं धोलूंगा। तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके सालन सारा डाला जा रहा है, और देखिए किस तरह प्लेट भर रही है। सारा खाना है तुमने? नहीं थोड़ा सा खाऊंगी। सारा नहीं, सारा खा जाओ। खाया जाता जितनी खुराक है उतना खाऊंगी। अच्छा, आधा खाना है? हाँ जी, आधी रोटी, ज्यादा नहीं। रोटी जैसे मैंने बताया हुआ है कि बाजी जो इसे ना साथ वाले वो मुंह बना के रोटी भेज देती है। हाँ, उन्हें हम ऊपर वाली खाला कहते हैं, ऊपर वाली बाजी कहते हैं। बाजी कहते हैं उन्हें, लेकिन मजाक में कह देते थे कभी खाला जी। तो आ जाए जी, जिसने खाना खाना आया ना हमारे साथ आए और खाना खाए जी। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो मेरी आज की इतनी ही थी, क्योंकि आप सबको पता है अहमद भाई आए हुए थे और वो सुबह सुबह चले गए। उसके बाद हम अपने घर के काम काज में जैसे भी खुद हम लगे रहे हैं अपना, और फिर मैंने अब सालन वगैरह बनाया, खाना वगैरह खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह चाय बनाई है, चाय पी है, फिर सबने तो कदम उस कागजात का। और मैं अहमद भाई और जितने मेरे अपने सब भाई आए, असलम भाई, असगर भाई, और उसके अलावा अकरम भाई थे साथ में, और सबा के अबू जी थे। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और अजहर भाई का भी कि ये आए। और यकीन मन जैसे मेरी वीडियो लगी हॉस्पिटल की कि मेरी हालत ख़राब है, तो ये वीडियो देखते जो उनसे ही अगले दिन वहाँ से निकल पड़े। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, और ना मैं कोई खिदमत कर सकी, बस आए रात को इन्होंने चाय पिया और उसके बाद बस गपशप करते रहे, हाल हवाल पूछा है, तो जाग कर रात गुजर गई सबकी बातों बातों में। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि उस वक्त के मैं इतनी तकलीफ में थी, मैं बता नहीं सकती कि देख के मेरी तकलीफ ख़त्म होगी, क्योंकि जब एक दुख बांटने वाले अपने बहन भाई आ जाए ना, फिर दुख ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सब बहन भाइयों को, जितनी भी सब बहन भाइयों की मेरे साथ दुआएं हैं,
जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे लिए दिन रात दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और कभी किसी चीज़ की कमी ना आने दे, आमीन। और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, दुआ करें कि जैसे मैं अब खेल कर मैंने वीडियो बनाई है और रात बनाई है, तो इंशाल्लाह मैं फिर भी ऐसे बनाती रहूँ। लेकिन क्या करूँ, ज़ख़म तो मेरा बहुत बड़ा है लेकिन अभी तक वो भरा नहीं है। जो असल मुझे टेंशन अपने ज़ख़म की है कि ये दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर तो कहते हैं कि दोबारा स्टिच लगवा ले, लेकिन मैं नहीं लगवा रही हूँ, तो क्योंकि डर गई हूँ अब मैं बहुत ज़्यादा, और पेन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, जो मेरे बहन भाई पाकिस्तान इंडिया बिरौने मालिक जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद।